लेटस रेक्टम ऑफ एन एलिप्स इज हाफ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस, देखो लेटस रेक्टम माइनर एक्सिस का हाफ है, देन इट्स एसेंट्रिसिटी इज, तो इस एलिप्स का एसेंट्रिसिटी बताना है। ठीक है, देखो अगर कोई एलिप्स है, ठीक है ये कोई एलिप्स है, तब इसका लेटस रेक्टम कितना होता है? देखो लेटस रेक्टम इसका होता है 2b² / a, 2b² / a होता है लेटस रेक्टम, और माइनर एक्सिस ये होता है इसका मेजर एक्सिस और ये होता है इसका माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस का टोटल का लेंथ होता है 2a और माइनर एक्सिस टोटल का लेंथ होता है 2b। ठीक है, तो माइनर एक्सिस का लेंथ हो गया 2b। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेटस रेक्टम ऑफ एन एलिप्स इज हाफ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस, मतलब लेटस रेक्टम जो है वो हो जाएगा माइनर एक्सिस का जितना लेंथ होगा उसका हाफ। ठीक है, मतलब माइनर एक्सिस बाई 2। तो देखो लेटस रेक्टम है 2b² / a और माइनर एक्सिस होता है 2b/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा और एक b कट जाएगा, तो b/a = एक b कटेगा ना, तो यहाँ b/a बचेगा, b/a = 1/2 हो गया। अब इसका इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है। ठीक है, देखो इसेंट्रिसिटी e = फार्मूला होता है 1 - b² / a² ये इसेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है एलिप्स का। ठीक है, तो b/a का वैल्यू तो पता है ना 1/2, तो 1/2 यहाँ रखेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, तो रूट अंडर ये एलसीएम 4 लेते हैं, 4 - 1 तो ये होगा √√3/4, मतलब √3/2, इसेंट्रिसिटी आ गया √3/2। ओके,